गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे हैं? आपने पिछली क्लास को देखा होगा कि 4.1 के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ठीक है। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गए होंगे। अब आप देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हुई है, एक्सरसाइज 4.2। एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आपकी ये है। और ये सवाल कहाँ से इम्पोर्टेंट है मैं आपको ये भी क्लियर करके दूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ से होंगे मैं आपको बताऊंगा, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, और वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाएं तो आपको फायदा मिलेगा। चले आप अपनी चार्ट से। आपका पहला क्वेश्चन है कि एल एम टू थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एल रेशियो एम चाहिए। ये सवाल मैंने इस चैप्टर किया था 4.2 में। फिर भी चलो एक बार और कर लेते हैं। इसका इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 3L माइनस 2M इज इक्वल टू जीरो हुआ, या 3L इज इक्वल टू 2M हुआ। L में M का डिवाइडर रहेंगे 2 में 3 का, तो L रेशियो M आपके पास आ गया 2:3, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है ना, उसमें सेकंड क्वेश्चन में उपसारणी पूछे गए हैं, केवल उपसारणी। एक आपको डेट दिया हुआ है, उसने कहा है कि दूसरे पंक्ति के इसके उपसारणी ज्ञात कीजिए। तो ए टू वन का उपसारणी क्या बनेगा, एन टू वन, और ए टू टू उसका उपसारणी क्या बनेगा, एन टू टू, और ए टू थ्री का क्या बनेगा, एन टू थ्री। तो ये आपको फाइंड करने हैं, कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 3। इस क्वेश्चन संख्या 3 में आप 3 से पहले कुछ रूल समझिए। रूल क्या होते हैं सारणी को हल करने के? रूल अब आएंगे कुछ और। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए क्या क्या मुझे इसमें क्या करना है कि अगर ये संख्या 1 बनानी हो या इसे 1 बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। सारणी की पंक्तियों को आपस में घटा सकते हैं, सारणी के स्तंभ को आपस में घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर हमें किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना हो, क्या किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना हो, ध्यान सुनना, तो एक ही पंक्ति में या एक स्तंभ में मल्टीप्लाई किया जाएगा। यदि हमें प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना हो तो हमें वो कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार। क्योंकि मैंने आपको सारणी के गुणधर्म में एक रूल बताया था, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ में एक निश्चित राशि से गुणा किया जाए तो उस निश्चित राशि से पूरे सारणी के मान में गुणा हो जाता है, ऐसा रूल मैंने आपको बताया था। तो यहां चले कुछ रूल और भी आते रहेंगे छोटे छोटे से, उनको हम देखते रहेंगे कैसे और घटाते हैं, कैसे और जोड़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका विस्तार करने जाएं, आखिर हम उन रूल का यूज यहां क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका हम विस्तार करेंगे तो आप विचार कीजिए 13×17×21 –18×20 क्या ही कैलकुलेशन बड़ी नहीं है। तो इस बड़ी कैलकुलेशन से बचने के बजाय हम थोड़ा सा रूल अप्लाई करें और उसके बाद इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहां देखें 13×14×15 लिखा है, 16×17×18 लिखा है, 19×20×21 लिखा है। सिंपल कैसे करना है कि अगर ये R2 लाइन से मैं R1 घटा दूं तो 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, 17 में से 16 जाएगा तो 1 बचेगा, और 20 से 19 जाएगा तो 1 बचेगा। तो मैं एक दो संख्याएं यूज कर रहा हूं, दो संख्याएं क्या, R2 - R1, R2 के स्थान पर। याद रखें संक्रिया यूज करते समय जिससे सब्ट्रैक्ट मतलब घटाया गया या फिर जोड़ा गया उसी के पंक्ति की या स्तंभ के रूप में लिखना है। R2 से घटाया तो R2 के स्थान पे, और अगर हम R1 से घटाते तो R1 के स्थान पे लिखेंगे। तो हमने घटाया किससे है, R2 से, क्या R1, तो केवल जो चेंजिंग आएगी वो आपके R2 में आएगी ना कि R1 में, क्लियर है। जिससे हम घटाएंगे तो हमारी चेंजिंग सिर्फ उसी पंक्ति या स्तंभ में आती है। तो एक संख्या मैंने लगाई R2 - R1, और एक और यूज कर सकते हैं आप कि R3 लाइन है, और इस R3 से हम R2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, R3 - R2, तो क्या आएगा आपके पास, R3। मैंने क्या कहा, जिससे घटाना है वो ही परिवर्तित होगा। अब आप घटा लें, लगाए संख्या ही, देखो पहली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो 13 लिखा, 16 लिखा, 19 लिखा, 14 में से 13 जाएगा 1 बचा, 17 से 16 जाएंगे तो 1, 20 से 19 तो 1, 15 से 14 1, 18 से 17 1, 21 से 20 1। अब आप देखिए थोड़ा सा इजी नहीं हो गया क्या, हो गया ना जी। अब हम और भी कुछ कर सकते हैं इसमें, क्या क्या आप इसमें R1 में से या R2 में से
आर थ्री घटा सकते हैं क्या नहीं। मान लीजिए कि आर टू माइनस आर थ्री किया तो क्या आया हमारे पास, आर टू आएगा। तो ये आर टू है, संख्या यूज करते हैं 13, 16, 19, 1 - 1 क्या आया 0, 0, 0, और थर्ड रो में कोई परिवर्तन नहीं 1, 1, 1। अब आप देखो ये वाला गुणधर्म भी आपको लिखाया हुआ है, ये गुणधर्म भी आपको लिखाया हुआ है। अगर गुणधर्म आपने ध्यान से पढ़े हो तो यहां पे मैंने सीधे लिख दिया इसका आंसर 0, और बात हुई है यहां पे भी 0 आ रहा है। किस गुणधर्म के अनुसार आ रहा है, मैंने आपको गुणधर्म लिखाया सारणी का, यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ के सभी अवयव समान हो, समान हो या समान अनुपात में हो, तो उस डेट का मान क्या होता है 0 होता है। तो गुणधर्म यूज हो गया, डायरेक्ट हम यहाँ यूज कर सकते थे। चलो मान लो कोई गुणधर्म यहाँ भूल गया, यूज ही नहीं किया, नेक्स्ट टॉपिक पे आ गया वो। तो यहाँ पे देखिए, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ, अब देखो एक पंक्ति कौन सी आपको दिख रही है, आर टू दिख रही है ना, एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान क्या होता है 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ 0 हुआ। तो हमें ये गुणधर्मों का यूज करना होगा, ठीक है ना। अब आप देखिए क्वेश्चन संख्या 4 लिए मैंने, आपको दिया गया 1, 1, 1 yz, zx, xy, y+z, z+x, x+y की वैल्यू फाइंड करनी है, आरएचएस से ये सिद्ध करने वाला सवाल है, x - y, y - z, z - x। देखिए यहां से कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखो इस सवाल को एलएचएस लोगे आपको, ठीक है ना, आरएचएस आनी है आपको, तो इस सवाल को एजी कैसे बनाया जाए, विस्तार मत करना भी, क्या सोच रहे हो कि विस्तार कर रहे तो मान आएगा, ये बात सही है, विस्तार करने से मान आएगा, लेकिन मान कब आएगा, कितनी देर बाद आएगा, ये हमें भी पता नहीं है, ठीक है। तो आप चलें पहले इनको छोटा करते हैं। तो देखो जहां आपको जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में 3 लगातार 1 मिल जाए, देखो यहाँ पहले मिल गया ना, तो हम 2 0 बना सकते हैं यहाँ से। कैसे बना सकते हैं, मान लो कि आपको दोनों 0 करनी है, तो यहाँ 0 कर सकते हैं, या फिर ये दोनों 0 करने हैं, तो क्या ये आर वन लाइन है, ये आर टू है, ये आपकी आर थ्री है। तो देखो जैसे मैंने आर वन माइनस आर टू किया आर वन के स्थान पे, और आर टू माइनस आर थ्री किया आर टू के स्थान पे, जिससे घटाया जाएगा उसी के स्थान पे लिखा जाएगा, ठीक है। आर टू से घटाया तो आर टू के स्थान पे। अभी कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर आर थ्री से भी तो आर वन लगा सकते हैं, एक मिनट रुको अब क्लियर करता हूं, ठीक है। पहले इनको लगाएं संख्या को, तो देखो आर वन माइनस आर टू, तो आर वन से आर टू 1 - 1 0, वाई जेड माइनस जेड एक्स, और वाई प्लस जेड से जेड प्लस एक्स घटाया, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा तो वाई माइनस एक्स, क्लियर हो ना। इसके बाद देखिए 1 - 1 0 हुआ, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। अब देखो जेड प्लस एक्स से घटाएंगे तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, जेड माइनस वाई। अच्छा मैंने आर थ्री से तो नहीं घटाया, तो आर थ्री आपकी कॉन्स्टेंट वैसे की वैसे रखी जाएगी, एक एक्स वाई एक्स प्लस वाई, कोई समस्या नहीं। आगे देखो 0, 0, 1 लिखा, इसमें से कॉमन क्या मिला है, जेड, तो वाई माइनस एक्स, क्या कॉमन मिला है एक्स, जेड माइनस वाई एक्स वाई, यहां पर क्या है वाई माइनस एक्स, जेड माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए कि इस आर वन में से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, वाई माइनस एक्स, 0 में वाई माइनस एक्स कॉमन आसान है, 0 में से तो कुछ भी कॉमन हो सकता है, वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। आर टू से कॉमन क्या मिल रहा है, जेड माइनस वाई, और 0 से भी मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो क्या कॉमन लिया आर वन से, क्या कॉमन लिया वाई माइनस एक्स, और आर टू से क्या कॉमन लिया आपने, जेड माइनस वाई। कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर जो भी आपको कॉमन मिलता है वो आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर है। अब आगे देखो वहां पे कॉमन क्या क्या मिला था आपको, कि वाई माइनस एक्स और जेड माइनस वाई, लिखो वाई माइनस एक्स
जेड माइनस फाइव ए। इस जेड के अंदर वजह क्या है उसको लिखते हैं जीरो जेड एक, ठीक है। इसके बाद जीरो एक्स एक और उसके बाद एक एक्स वाई और क्या है एक्स प्लस वाई। जब आपकी गुणधन बनाने के पश्चात सारणी एजी हो जाए तो आप विस्तार कर सकते हो। देखो दो जीरो आ गए तो हम इस आर थ्री के सापेक्ष विस्तार कर लेंगे इसका, ठीक है ना। तो आर थ्री के सापेक्ष विस्तार करने पर तो देखो आर थ्री के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई को तो यू लिखा वन इंटू, मैंने कहा है जीरो वाली छोड़ दीजिए, वन इंटू इसका मल्टीप्लाई से जेड और माइनस आपके पास एक्स। अब अपने आर थ्री के सापेक्ष क्या ये एलिमेंट कौन सा था ए थ्री वन, थ्री वन तीन और एक चार हुआ आपके पास, चिन्ह कैसा आएगा प्लस का, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप इसे चक्रीय क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। चक्रीय क्रम में क्या होता है एक्स वाई जेड, मतलब पहले क्या हो रहा है आपके पास y माइनस एक्स लिखा है तो x माइनस वाई बनाइए तो मैंने लिखा माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। दूसरा y माइनस जेड लिखना है तो माइनस फॉर्मल लिया y माइनस जेड। तीसरा देखिए z माइनस एक्स ऑलरेडी चक्रीय क्रम में है, साइकिल ऑर्डर देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां x लिखा, यहां y लिखा, यहां z लिखा, तो x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स ये आपका साइकिल ऑर्डर होता है, ठीक है ना। अब देखो क्रम से लिखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यही आपके आरएचएस है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां मैंने संशय दिया था थोड़ा सा आपको, क्या कहा था कि किसी के माइंड में ये भी आ सकता है कि सर ने आर वन माइनस आर टू कर दिया, आर टू माइनस आर थ्री कर दिया, क्या एक संक्रिया और यूज हो सकती थी आर थ्री माइनस आर वन या आर टू। तो याद रखिए अगर आपका सारणिक एन कोटि का है, यदि कोई सारणिक एन कोटि का है तो उसमें अधिकतम संक्रियाएं एन माइनस वन यूज होती है। यदि कोई सारणिक एन कोटि का है तो अधिकतम संक्रियाएं केवल एन माइनस वन यूज कर सकते हैं। ये सारणिक आपका तीन कोटि का है तो अधिकतम संक्रियाओं की संख्या तीन माइनस एक दो ही यूज कर सकते हैं, अधिक या ज्यादा या कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कम तो कर सकते हैं लेकिन उससे अधिक नहीं कर सकते हैं। तो याद रखो इस पॉइंट को लिख लेना, मैं क्या बोलता हूं लिख लो, यदि कोई सारणिक एन कोटि का है तो उसमें अधिकतम संक्रियाओं की संख्या एन माइनस वन होती है। अब आप देखिए इसकी क्वेश्चन संख्या सिक्स, ये आपको डेट दे रखा है और ये आरएचएस सिद्ध करना है टू ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ठीक है। तो सॉल्यूशन एलएचएस लिया। अब आप ध्यान से देखिए, बस सारणी में यही बात है कि हमें ये टेक्निकल तरीके से सॉल्व करना होता है, इसमें मोटी तुची का यूज नहीं करना है कि बस जीरो देखते ही विस्तार करने बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है। इस सारणी को छोटा से छोटा, मतलब सारणी के क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में उसे छोटा से छोटा कैसे बनाया जाए, पंक्ति को पंक्ति से घटा के बनाया जाए या जोड़कर बनाया जाए या पंक्ति से कुछ कॉमन लेकर बनाया जाए, उसके बाद सारणी छोटा होता है और छोटा हो जाने के बाद उसका विस्तार बहुत ईजी होता है। तो देखिए पहले क्या आपको सी वन से कुछ कॉमन मिल रहा है, सी वन से ए स्क्वायर, सी टू से बी स्क्वायर और सी थ्री से सी स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। जो कॉमन मिल रहा है उसे हम लिख लेते हैं, क्या क्या सी वन सी टू सी थ्री से क्रम से है, क्या क्या लिया आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लेने पर, ठीक है ना। कॉमन लिया तो बाहर रख दीजिए इनको, क्या कॉमन लिया आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस रेड के अंदर बचा क्या है वो लिखते हैं जीरो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन था तो बी सी, यहां से बी स्क्वायर कॉमन है तो ए जीरो सी और यहां से सी स्क्वायर कॉमन है तो ए बी जीरो, सभी क्लियर हो गया। अब आप सोचेंगे कि विस्तार करते, विस्तार करने से पहले देखो जरा कुछ और कॉमन तो नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। कहां से ये आर वन लाइन है, आर वन से ए आर टू से बी आर थ्री से सी, तो ले लेते हैं आर वन आर टू
आर थ्री से क्रम से है, क्या क्या कॉमन ले रहे हैं, ए बी सी कॉमन लेने पर, ठीक है कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया आपने ए बी सी, तो ए कॉमन लेने पर ए क्यू बन जाएगा, ए इस पर कैसे मल्टीप्लाई, ये बी क्यू बन जाएगा, ये सी क्यू बन जाएगा, इससे ए कॉमन लेने के बाद जीरो वन 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 जीरो वन 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 जीरो। अब आपको वन वन ले रहे हैं, इससे और वन से और जीरो से मुझे कितना छोटी संख्या कोई मिल सकती है, तो आप इसका सीधे विस्तार कर दीजिए, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुसार विस्तार कर दीजिए, बार बार नहीं लिखा जाएगा, प्रथम पंक्ति के अनुसार कर लेते हैं। तो पहला एलिमेंट स्तंभ जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो माइनस वन, फिर माइनस वन इंटू ये हो जाएगी, ये कॉलम, ये कॉलम जाएगा, ये हो जाएगी वन इंटू जीरो, जीरो होगा माइनस का वन हुआ, प्लस वन इंटू ये रो, ये कॉलम जाएगी तो वन माइनस जीरो हुआ। अब आप देखें क्या बचता है आपके पास, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये तो जीरो हो गया, ये हो गया कितना आपके पास माइनस का वन हो गया, ठीक है ना, माइनस माइनस का हो गया, तो वन प्लस ये भी कितना हो गया वन हो गया, तो वन वन कितना हो गया टू, टू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना।